अजोला उत्पादन के लिए सबसे पहले 10 इंच ऊंचा, 2.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली ईंट की क्यारी बना लें। उसमें सामान्य काली पन्नी बिछा दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्लास्टिक की चादर यानी पन्नी सही तरीके से ईंट से दबी होनी चाहिए ताकि उसमें सिलवटें ना पड़ी रह जाएं। अब प्लास्टिक के ऊपर उपजाऊ मिट्टी की 3 इंच मोटी परत बिछा दें। मिट्टी में से कंकड़ पत्थरों को चुनकर हटा देना चाहिए। अब इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी डालें। यहाँ आप देखेंगे कि पानी की सतह पर झाग जमा हो रहा है, तो अब चलनी की मदद से झाग को निकाल दें। अजोला की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर की जगह इसमें कई रासायनिक मिश्रण देना सही होता है, क्योंकि कई बार गोबर के दुर्गंध की वजह से पशु अजोला नहीं खा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अजोला उत्पादन में SSP का इस्तेमाल करने के लिए पहले 5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 750 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर लें। उसके बाद तैयार मिश्रण का 10 से 12 ग्राम SSP प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर अजोला की क्यारियों में डालें।